अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन देखें, हम आज आपको बताते हैं अपने पेल फेलो को कि किस तरह से हम पता चलता है कि कौन सा सिंपल है, कौन सा पेल फेलो है। देखिए, हमने ये इसके रिंग बनाया है 126 का। हम आपको दूसरा रिंग बनाते हैं दूसरे बच्चों को। ये भी माशाल्लाह इस काबिल हो गया है कि इसको रिंग बनाया जाए। ये देखें, ये भी स्प्लिट पेल फेलो है। अब ये नहीं पता है क्या बनेगा, ये फिशरी है या ये भी ऑफलाइन है। वो दूसरा जो बच्चा था वो वॉलो ट्यूबिंग ऑफलाइन है। एक अंदाजे से ये फीमेल भी हो सकती है। देखिए, इनके पैर जो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़े होते हैं। जैसे हम अल्बिनो रेडाई देखते हैं या विजुअल पेलफेलो देखते हैं, उसके पैर पतले होते हैं, इनके पैर बड़े होते हैं। तो इसके हिसाब से इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है पहनाना। फिर भी लोग आराम, हम तो खैर पहना देते हैं आराम से, फिर बहुत से लोगों में बड़े शिकायतें आती हैं पहनाने की। तो इसलिए इनको तकरीबन 5 दिन पहले रिंग पहनाना पड़ता है, मतलब और बर्ड्स के 5 दिन। देखें, अरे बहुत आराम से रिंग आ गया इसके पैरों में। रिंग नंबर है 134। अब आपको बताएंगे 134 के क्या मकसद है और किस तरह से हम इसको निकाला है। एक और हमारे बच्चे से वो दिखाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरा देखें, एक और बच्चा है, इसका हम दिखाएं आपको। ये माशाल्लाह से ये भी स्प्लिट पेल फेलो है। अब ये भी बड़ा हो गया, ऑफलाइन बनता है या फिर फिशरी रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। अभी छोटा सा अंदाज़ा नहीं हो रहा। जैसे वो थोड़ा सा बड़ा है, आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये यूविंग ऑफलाइन है। इसके पेरेंट्स में ऑफलाइन है, तो ये स्प्लिट ऑफलाइन होगा, स्प्लिट पेल फेलो। देखिए, इस पर हमने रिंग है 135 नंबर का रिंग है, ये हम इसको पहना रहे हैं। ये देखें, इसका माशाल्लाह से बहुत आसानी से रिंग आ गया है बच्चे का। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह, बच्चा फीड भी करा हुआ, फर्स्ट क्लास फीड हुई है इसकी और बेहतरीन है। अच्छा, इसके बाद हम आपको बता दें कि किस तरह हम इसकी एंट्री करते हैं हम और किस तरह से इसको रखते हैं। देखिए जी, ये 134 एंड 135 हमने दोनों रिंग पहनाए हैं इसके। हम 134 एंड 135 पर एंट्री करते हैं। ये आ गया रिंग, हो गया ये। हम देखें, देख रहे हैं 134, ये रिंग नंबर आ गया। अब इसका जो पेरेंट्स के जे, जो पेरेंट्स के जे वो लिखेंगे हम इसमें। पेरेंट ग्रुप को कौन से हैं इसके, जो पेरेंट्स के जे उसका वो, ये ऊपर देखें, आप देख रहे होंगे पेरेंट्स के लिखा हुआ आ रहा है। ये पेरेंट्स के जे, ये 24 है, इसे 24 लिखेंगे। और ये करंट के, जिस वक्त यहाँ पर ये, जहाँ पर ये बड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है वो करंट केज कहलाएगा। वो करंट केज दे वो 34 है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये करंट पेरेंट केज में जो केज नंबर 24 है इसमें क्या है। 24 आपको दिखाते हैं। देखें, जो केज ये आगे केज ये 24 है, इसमें वॉलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल है और ब्लू पेलफेलो की फीमेल है। वॉलेट यूविंग ऑफलाइन का मेल है, ब्लू पेलफेलो की फीमेल है। इन्होंने स्टार्ट किए थे, एक लाइन की थी, 22 नौ को इनके बच्चे निकल गए। अब इन हमने इनके बच्चे दूसरी जगह पर डाले थे। अब जो करंट केज है, करंट केज जो ये करंट केज ये है इसका 34। अब देखें 34 में कौन से, किसने पाला है, ये अल्बिनो रेडाई ने पाले हैं बच्चे। ये लिखा फॉस्टिंग पेयर है हमारा, इस पेयर को हम फॉस्टिंग रखते हैं अल्बिनो रेडाई के पेयर को। हम आप इसके माँ बाप भी दिखाते हैं इसको, और आप इसके माँ बाप देखिएगा माशाल्लाह। देखें आप ये किस तरह से, ये मेल है इसका और ये फीमेल है, ब्लू पेलफेलो की फीमेल है। वॉलेटिंग ओविंग ऑफलाइन का मेल है इसका। तो इस तरह से हमने इसके बच्चे डाले, बच्चे का रिंग नंबर आ, हमारे पास तमाम चीज़ें इसकी आ चुकी हैं। और इसके, इससे हमारे पास हमेशा रिकॉर्ड रहेगा कि जो हम डाल रहे हैं। अब इसके यहाँ पर लिख दिया, अभी कुछ नहीं पता कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। थोड़ा सा अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे। तो हमने इसको स्प्लिट का निशान डाला, पेल फेलो, फिर स्प्लिट का निशान डाला, पेल फेलो। अब जो भी यूविंग ऑफलाइन बनेगा तो यूविंग ऑफलाइन लिख देंगे। अगर फिशरी बना तो इधर फिशरी लिख देंगे, स्प्लिट पेल फेलो। कहाँ पर बड़ा, कहाँ पर ये, इसके माँ बाप कौन थे, इसका रिंग नंबर कौन सा है। इस तरह हम इसको बिल्कुल आराम से बना लेते हैं और इसको हम बिल्कुल तरीके से दिखाते हैं कि क्या तरीक़ेकार है, क्या तरीक़ेकार नहीं है। इससे हमको सब पता होता है कि कौन सा केज कम निकला। अब इसमें हम हल्की सी थोड़ी डेट भी डाल देंगे, इसकी डेट क्या है। अच्छा जी, दूसरा मैंने जो रिंग बनाया था मैं भूल गया था, वो रिंग नंबर 135 था। वो भी सेम एक ही माँ बाप के 24, जो पेरेंट्स केज था उसका 24 था, और जो करंट केज है जिसमें बड़ा हो रहा है वो 34 है। ये 34 में अल्बिनो रेडाई था और ये स्प्लिट पेल फेलो। अब पूरा रिकॉर्ड हो गया। हमने कब पहनाया ये हम बताते हैं। आज 3 तारीख है, 11वां महीना, 3 तारीख 11वां महीना। इस तरह से हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मिलेगा कि किस तरह से हमने इसको तैयार करा और किस तरह से इसको बिल्कुल परफेक्ट करा। हमारे पास हमेशा रिकॉर्ड रहेगा। अब जो इसके हम आने वाले वक्तों में हम इसका जिस तरह से आप DNA कराएंगे और DNA से भी रिकॉर्ड रहेगा, इसके माँ बाप कौन थे, ये बच्चा ये इसके एक लाइन कम हुए, हमारे पास देखें नाजिम सब के रिकॉर्ड होते हैं,
सब के रिकॉर्ड है हमारे पास कि कौन सा बर्ड चल रहा है, कौन से चिक्स हो रहे हैं, कौन से चिक्स नहीं हो रहे, कौन सा पेयर है, कौन सा नहीं है, बिल्कुल हमारे पास सारे रिकॉर्ड मेंटेन है कि जिसके बच्चे निकल रहे हैं, जिसके किसने कितने अंडे दिए हैं और किसके अंडे हमने कहाँ पर हैच करें, अगर हमने फिशर में डाले हैं या फिर हमने लोटिनो में डाले हैं अंडे जो फॉस्टिंग पेयर होते हैं, उसके नीचे कौन से अंडे रखे हुए हैं, उसके पेरेंट्स क्या थे, सब हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं, कौन सा अंडा हमने किस तारीख को डाला, कहाँ डाला। इसी तरह से हम अपने जो स्प्लिट पेल फेलो होते हैं उनको मेंटेन रखते हैं। हमारे पास ये नाजिन विजुअल भी बहुत सारे माशाल्लाह स्प्लिट कर रहा हूँ, विजुअल पेल फेलो भी बहुत सारे आए हुए हैं, पर उनकी अभी उम्र नहीं हुई है कि जिस तरह से हम उनके पैरों में रिंग डालें, इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन लगेगा उनके, फिर वो तकरीबन पर निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी पता नहीं चलता कौन सा ब्लू पेल फेलो है, कौन सा पार ब्लू पेल फेलो है या कौन सा वॉलेट पेल फेलो है। अभी तक हमारे पास ये तीन ही आते हैं बर्ड्स। अभी माशाल्लाह देखें पेल फेलो ऑफलाइन भी काफ़ी सारे निकलेंगे, अल्लाह का शुक्र है अभी वो हैच नहीं हुए, बल्कि एक निकला आज, हाँ आज एक निकल गया। इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो पेल फेलो ऑफलाइन है विजुअल में वो हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें वॉलेट ऑफलाइन भी आएंगे, पार ब्लू ऑफलाइन तो माशाल्लाह आते हैं हमारे पास, पार ब्लू पेल फेलो ऑफलाइन वो भी आएंगे, और इस तरह से काफ़ी सारे पेल फेलो आएंगे। सादी भी नाजिन अल्बिनो रेडाई भी बहुत सारे आए हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं, देखें अल्बिनो ब्लैक आई भी फिशर। अब देखें इसमें से ये अल्बिनो ब्लैक आई देख रहे हैं, ये स्प्लिट है रेडाई के, इसके पेरेंट्स के जे 52 करंट के जे 61 जाएँ पल लें हमारे पास। नाजिन मैंने आपको पहले बताया था अल्बिनो रेडाई के भी माशाल्लाह बच्चे आए हुए हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल मेरे साथ ही पड़े हुए हैं, दिखाता हूँ आपको, ये छोटे ये रेडाई है, क्या नहीं ये रेडाई आ गया, और इसके साथ एक दूसरा भी ले लेता हूँ ब्लैक आई। नाजिन देखें ये हमारे पास आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये दोनों रेडाई हैं अल्बिनो रेडाई, इसके साथ जो इनका भाई हैं ये अल्बिनो ब्लैक आई है, आप देख सकते हैं ये अल्बिनो ब्लैक आई। अच्छा इसका रिंग मैं आपको बता दूँ मिसाल, क्योंकि इसका रिंग 4-5 दिन पहले पहना चुके हैं, रिंग नंबर है 130, आप देख रहे हैं रिंग नंबर 130 है, इसमें रिंग नंबर 130 होगा, ये रहा जी रिंग नंबर, ये देखें ये देखें 130 रिंग नंबर है इसका, जो जहाँ पर इसका पेरेंट्स का केज था वो 52 था, करंट केज जो बना वो 61 बना, 2/11 को ये बच्चा को हमने अब रिंग बनाया था, और ये अल्बिनो ब्लैक आई है, तो आप देख सकते हैं ये अल्बिन, इस तरह से रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं जो हमने पहले करें, तो ये कल हमने इसको बहुत सारे बनाए थे, तो ये इस तरह से रिकॉर्ड है हमारा, और ये माशाल्लाह से हमारे जो अल्बिनो रेडाई और ब्लैक आई बच्चे निकले हैं ये वो हैं, आप लेने चाहिए। इसमें कंफर्म 100% ये जो ब्लैक आई हैं वो स्प्लिट रेडाई हैं, साथ ही पल्ले हैं, साथ ही बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी सारे रेडाई के भी आए हुए हैं और ब्लैक आई के भी आए हुए हैं, स्प्लिट जिसको कह सकते हैं हम रेडाई के। तो नाजिन कैसी वीडियो लगे ज़रूर बताइएगा, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो लाजमी सब्सक्राइब करें मुतार इन्फॉर्मेटिव को, और नाजिन वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।